हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने इसका बेसिक्स दे दिया था डिग्री के बारे में। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ऐसे मैं बताऊंगा। ठीक है, इस देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है, जिसमें हम 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के 3 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगर ना बने तो कॉमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन तैयार करके आपको एक वीडियो में दे देंगे। ठीक है, तो देखिए कोई भी 2 क्वेश्चन करेंगे हम। पहला नंबर करते हैं, क्या लिखा हुआ है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन 60 और कॉस 30 के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना है, प्लस साइन 30 और कॉस 60 के बीच में भी कुछ नहीं है, मतलब गुना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वैल्यू आपको काम आएगा, वैल्यू अगर आप याद कर लेंगे तो काम आएगा, अभी तो याद है, हम बता देते हैं, आपको याद कर लेना है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, वैल्यू को उठाते जाएंगे। देखिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, गुना। कॉस 30 का वैल्यू होता है यही सेम √3/2, प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, बीच में गुना है। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, बैठा दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। देखिए 2 3 है रूट के अंदर, तो 1 3 बाहर आएगा, तो वही 3 लिख दिया हमने, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1, और 2 को 2 से करेंगे तो 4। एलसीएम लेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। देखिए 4 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो वही सेम संख्या, प्लस यहाँ पर भी 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो गया 4, यहाँ पर 4 कटके कितना आ जाएगा 1। ये पहला का आंसर 1 आ गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा या तीसरा, चौथा देखते हैं, कोई भी एक करते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पांचवा नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमने देखा तो हमें लगा कि पांचवा नंबर थोड़ा सा बड़ा है, बच्चा कर नहीं पाएगा, तो इसलिए हमने पांचवा ले लिया। ठीक है, देखिए पांचवा नंबर क्या है, दिया हुआ है 5 cos² 60° प्लस 4 sec² 30° माइनस 10² 45° डिवाइडेड बाय sin² 30° प्लस cos² 30°। तो देखिए बनाएंगे, वैल्यू बैठाएंगे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में देखिए, देखिए 5 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो 1/2 पे भी स्क्वायर चढ़ जाए, समझ में आया कैसे बैठाएंगे वैल्यू, प्लस 4 sec 30 का वैल्यू होता है कितना, जितना cos 30 का होगा उससे उल्टा, तो cos 30 का कितना √3/2, तो sec 30 का कितना 2/√3, तो sec 30 का कितना हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, बस समझ में आया। माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पे भी चढ़ जाएगा, बस समझ में आया। डिवाइडेड बाय, अब देखिए sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, प्लस और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर चढ़, बस समझ में आया। जो वैल्यू था हमने बैठा दिया है, बगल में आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, इसीलिए वैल्यू हमने बोला याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वाला प्रोसेस में क्या करेंगे, 5 × 1² 1 और 2² कितना 4। ठीक है, प्लस 4 × 2² 4 और √3² 3, √3 दो बार करेंगे तो 1 3 बाहर आ जाएगा, माइनस 1² तो 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय 1² 1 और 2² 4, √3² 3 और 2² 4। अब देखिए इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये देखिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5 डिवाइडेड बाय 4, तो यहां पर आ जाएगा 5/4, प्लस 4 × 4 = 16 और डिवाइडेड बाय 3, माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं था, इसका भी 1 लिख दीजिए ताकि डिवाइड में सब लगे। और नीचे देखिए इसे एलसीएम लिया जाएगा तो 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 हमने ले लिया। अभी देखिए इसको इसको डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे 1, प्लस 4 को डिवाइड करेंगे 1 और 1 को ऊपर वाला से गुणा करेंगे तो 3, बस समझ में आया। इसके बाद इधर बना रहे देखिए, यहाँ देखिए ऊपर में क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, देखिए 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, तो 12 एलसीएम ले लेते हैं। देखिए ये मेन डिवाइड हमारा ये वाला है, यहाँ पर इक्वल लगा देंगे। अब देखिए 12 एलसीएम आ गया, क्या करेंगे 12 को इससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो
तो 4 से डिवाइड करने कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 को ऊपर वाला से गुणा करेंगे, ऊपर में क्या है 5, तो 5 दिया 15 प्लस, फिर 12 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को ऊपर वाला से गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 4 को ऊपर वाला से गुणा करेंगे तो 16 32 32 दूनी 64। चलिए माइनस, अब 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा, अब फिर 12 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 12 आएगा, यहां पर 12। अब नीचे में देखिए 3 और 1 4 और 4, नीचे में कितना आ गया 4/4, बस समझ में आया। अब देखिए नीचे का ये 4/4 1 टाइम में कट जाएगा, तो नीचे तो 1 बचा, तो 1 मतलब हटा भी सकते हैं, तो फाइनली क्या बचा हमारा, ये देखिए 679 हो जाएगा माइनस 12/12, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 है तो उससे तो कोई दिक्कत है, तो यहां पर कितना हो गया घटाएंगे तो 67/12, ये था इसका आंसर, ऐसे इसको बनाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, देखिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, बाकी का 2 क्वेश्चन बचेगा वो आप खुद से कर लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ये देखने में छोटा लग रहा है, cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 30, देखने में छोटा है लेकिन देखिए थोड़ा सा ये थोड़ा सा बनेगा लंबा। देखिए क्या है, सबसे पहले तो वैल्यू बैठाएंगे, cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 बराबर, sec 30 का वैल्यू होता है जो cos 30 का होगा उसका उल्टा, तो cos 30 का होता है √3/2, sec 30 का कितना हो जाएगा 2/√3, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस। उसके बाद देखिए cos 30 का sin 30 का जितना होगा उसका उल्टा कर दीजिए, तो sin 30 का होता है 1/2, तो cos 30 कितना होगा 2/1 मतलब 2, तो यहां पर कितना आ गया 2/1 लिख देते हैं। अब देखिए ऊपर को ऐसे ही रहने दीजिए, उसके बाद नीचे क्या कीजिएगा एलसीएम ले लीजिए, तो रूट थ्री और वन का एलसीएम कितना आएगा रूट थ्री ही आएगा। उसके बाद देखिए रूट थ्री को रूट थ्री से डिवाइड कीजिएगा तो 1, और 1 को ऊपर वाले से गुणा कीजिएगा तो 2 आ जाएगा प्लस, रूट थ्री को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो रूट थ्री ही आएगा, क्योंकि आप 1 को रूट थ्री को डिवाइड कीजिएगा 1 से तो वही रूट थ्री ही आएगा, ठीक है, तो रूट थ्री आ गया, रूट थ्री को 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2√3, गुणा कर दी। अब देखो यहां पर एक रूल था, अगर हम मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाला जो रहता है वो ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे चला जाता है, मतलब ऐसे देखिए एक रूल हम यहां पर लिख देते हैं, देखिए क्या था रूल कि ऐसे अगर यहां पर a बाई बी है और नीचे में क्या है c बाई डी है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखे a बाई बी मेन डिवाइड मेरा ये है, इसको अगर हम गुना में करते हैं तो नीचे वाला क्या हो जाता है एक्सचेंज हो जाता है, मतलब नीचे वाला का नीचे वाला ऊपर आ जाता है और नीचे वाला का ऊपर वाला नीचे चला जाता है, मतलब यू कहे तो ऐसा डी ऊपर आ जाएगा और सी नीचे चला जाएगा, ये रूल था, तो यही रूल यहां पर फॉलो करेंगे। देखिए कैसे फॉलो करते हैं, देखिए 1/√2 को ऐसे ही लिखेंगे, ये मेन डिवाइड है हमारा, मेन डिवाइड को गुना में किए तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, जैसे यहां पर पलटा डी और सी, तो ये पलट जाएगा रूट थ्री ऊपर आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा 2+√3, पास में आया। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो रूट थ्री को 1 से करेंगे तो रूट थ्री, और इसको देखिए गुना करेंगे रूट टू को एक बार 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 2√2 प्लस, इसको गुना करेंगे रूट टू से तो देखिए 2 तो बाहर नहीं जाएगा और रूट वाला गुना हो जाएगा 3 × 6 2√6, यहां तक समझ में आया कैसे किया गुना कर दी। अब देखिए अब सोचिएगा कि आंसर तो यहां पर आ गया मेरा, नहीं, याद रखिएगा आंसर में नीचे में कभी रूट नहीं आना चाहिए, अगर रूट आता है तो क्लास 9 में हम लोग एक चीज पढ़े थे जिसका नाम है रेशनल लाइज, इसको हिंदी में प्रमेयकरण बोलते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज करते हैं, क्या होता है इसमें जो भी नीचे रहेगा उसको आप ऊपर नीचे से गुना भागा कर दीजिए साइन को चेंज करते हो, तो यहां पर जो भी नीचे में आप क्या कीजिएगा इसको रेशनलाइज कर दीजिए, मतलब 2√2 साइन को चेंज करना, मतलब यहां माइनस हो जाएगा 2√6, नीचे में भी वही करेंगे 2√2 − 2√6, ताकि हमारे क्वेश्चंस में कोई इफेक्ट ना हो, इसको बोलते हैं रेशनलाइज। बगल में हम लिख देते हैं इसको क्या नाम देते हैं रेशनलाइज, रेशनलाइज, ठीक है, मतलब हिंदी में प्रमेयकरण बोलते हैं। ऐसा कर दिया हमने साइन चेंज करके ऊपर नीचे से गुणा कर दिया, ऐसा क्यों किया इसको याद रखिएगा, ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि हमारा जो नीचे रूट है वो रूट हट जाए, क्योंकि हम सॉल्यूशन को नीचे में रूट में नहीं छोड़ सकते, ऊपर रहेगा तो चलेगा,
ठीक है। तो देखिए रेशनलाइज करने के बाद आप क्या करेंगे, ऊपर वाला ऊपर से गुना कर दीजिए, नीचे वाला को नीचे से गुना कर दीजिए। तो देखिए रूट थ्री को जब इससे गुना करेंगे हम कितना हो जाएगा, टू रूट सिक्स हो जाएगा। देखिए तीन दो नीचे हो जाएगा अंदर में, ये टू बाहर में रहेगा। माइनस अब रूट थ्री को इससे करेंगे कितना हो जाएगा, टू रूट एट्टीन, अठारह हो जाएगा रूट के अंदर, डिवाइडेड बाय। देखिए एक और से देखिए आप, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है आपको, जहां पर ए का वैल्यू कितना है टू रूट टू और बी का वैल्यू टू रूट सिक्स, उस रूप में तोड़ेंगे हम इसको। तो फॉर्मूला क्या हम बगल में लिख देते हैं, सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जहां ए का वैल्यू कितना है टू रूट टू, तो ए स्क्वायर मतलब टू रूट टू का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब टू रूट सिक्स का होल स्क्वायर। देखिए नीचे वाला आसानी से सॉल्व हो गया फॉर्मूला में आके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सॉल्व कर दिए। अब देखिए ऊपर से टू रूट सिक्स माइनस अठारह का रूट से बाहर कितना आता है, देखिए हम साइड में करके बता देते हैं, अठारह यहां पर कर देते हैं, चाहे यहां पर देख लीजिए अठारह में, देखिए टू से नौ नाइन टाइम्स में, फिर थ्री से थ्री टाइम्स में, देखिए दो तीन आ गया ना, दो को तीन का एक तीन बाहर निकलेगा, मतलब अठारह को हम ऐसा लिख सकते हैं थ्री रूट टू, दो तीन का एक तीन बाहर आ गया टू अंदर रह गया, मतलब अठारह क्या लिख सकते हैं थ्री रूट टू। यहाँ पर देखिए टू पहले से था और अठारह क्या लिख दिया हमने थ्री रूट टू, थ्री रूट टू डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए गौर से देखिएगा टू का स्क्वायर फोर और रूट टू का स्क्वायर टू, रूट टू का स्क्वायर टू कैसे हुआ, रूट टू इंटू रूट टू टू, तो टू का स्क्वायर फोर और रूट टू का स्क्वायर टू, अच्छा दुनिया आठ हो गया। माइनस यहां पर देखिए टू का स्क्वायर फोर इंटू रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, दो को सिक्स आ जाएगा तो सिक्स से बाहर आ जाएगा, तो छह चौबीस कितना हो गया चौबीस, बस समझ में आया यहां पर कैसे किए हम लोग। अब देखिए इसके बाद ऊपर में देखिए टू रूट सिक्स माइनस यहाँ कितना हो गया सिक्स रूट टू डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना हो गया माइनस सोलह, कितना आ गया माइनस सोलह। अब इसके बाद देखिए यहां पर बना देते हैं, देखिए ऊपर से क्या करते हैं माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, क्यों, ताकि नीचे से माइनस कट जाए मेरा काम आसान, और साथ साथ टू भी कॉमन निकाल रहे क्योंकि देखिए बाहर में टू है यहाँ पर भी टू है और सिक्स में भी टू छुपा रहता है टू इंटू थ्री। तो देखिए ऊपर से क्या करेंगे हम लोग माइनस टू को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, जब माइनस जब भी बाहर निकलता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये वाला देखिए प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में था तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस वाला पहले लिख देते हैं। यहां से देखिए हम सिक्स से क्या किए टू बाहर निकाले तो बचा क्या थ्री और अंदर में रूट, चलिए ये प्लस में था आ जाएगा माइनस में, ठीक है। देखिए ये माइनस में था हम प्लस में लिख दिए, अब ये जो प्लस में था वो माइनस में आ जा रहा है बाद में करके लिख दे रहे हैं, यहां से तो टू बाहर निकाले बचा क्या सिर्फ रूट सिक्स बचा डिवाइडेड बाय। अब देखिए सोलह का कितना होगा, सोलह तो ऐसे ही होगा टू से ये कट जाएगा एट टाइम्स में और माइनस माइनस कट जाएगा, फाइनल में हमारा क्या बचेगा थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स डिवाइडेड बाई एट, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखने में ये छोटा लग रहा था लेकिन है ये क्या थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा इसमें प्रोसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, मिलेंगे अगले वीडियोस में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू लेकर के। इस क्वेश्चन का हमने तीन क्वेश्चन बता दिया आपको, दो क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, जो नहीं बने कॉमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम सोल्यूशन तैयार कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।